नमस्कार, करियर न्यूज में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आई है वैकेंसी के लिए, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से। लास्ट डेट जो होने वाला है आपको 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट या फैकल्टी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो देखिए, फैकल्टी ऑफ बायोसाइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसाइंसेज में वैकेंसी है, और ये 5 डिपार्टमेंट या यू कहें कि सेंटर दिए गए हैं। फिर उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर में देखें तो मैकेनिकल साइंस डिवीज़न में इसमें टोटल 8 डिपार्टमेंट या सेंटर हैं, इनमें वैकेंसी हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी पेज पे एडवर्टाइजमेंट के साथ ही लिंक दिया गया अप्लाई करने के लिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है और हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने क्रेडेंशियल यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके अपलोड करना है ना। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस डिवीज़न में 8 हो गया। फिर उसके बाद केमिकल साइंस डिवीज़न में 3 डिपार्टमेंट है या सेंटर है। फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन और प्लानिंग में वैकेंसी है, इसमें हर डिवीज़न में तीनों पोस्टों के लिए वैकेंसी है, यानी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर है ना। वेबसाइट पे सेपरेटली भी गिवन है, तो यू कैन विजिट द वेबसाइट फॉर मोर डिटेल। लेट्स सी द फैकल्टी ऑफ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, सेंटर फॉर ओशियन रिवर एंड एटमोसफियर एंड लैंड साइंसेज। फिर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में 3 डिपार्टमेंट्स हैं या सेंटर हैं। फिर उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस सेंटर, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग सेंटर, इस तरीके से इसमें टोटल 10 डिपार्टमेंट या सेंटर है। फिर उसके बाद स्कूल ऑफ लॉ में राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एक सेंटर है। फिर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में वैकेंसी है। फिर इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ दिया गया था, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन द डिपार्टमेंट शैल बी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर और स्कूल और एकेडमिक है ना। फिर यहाँ दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो प्रोफेसर के लिए PhD जरूरी हो जाता है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी PhD जरूरी हो जाता है, इसके साथ भी एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें रिलैक्सेशंस हैं यहाँ देख लीजिएगा, पॉज करके भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ सैलरी और पेमेंट मैट्रिक्स दी गई, पे मैट्रिक्स, तो प्रोफेसर के लिए जो बनेगा आपको टोटल मिनिमम प्रोफेसर की जो सैलरी बनेगी 1,59,100 रुपये, फिर एसोसिएट प्रोफेसर की 1,39,600 रुपये, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मिनिमम बात करें Grade 1 में तो 1,00,000 सैलरी बनने वाली है लगभग। रिजर्वेशन रूल को फॉलो किया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन रूल है कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। फिर उसके बाद यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, फिर जनरल इन्फॉर्मेशन है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस में भी रिलैक्स्ड है ना, एक्सपीरियंस वगैरह में रिलैक्सेशंस मिलेगा आपको। कैंडिडेट शुड बी प्रेफरली बिलो 30 ईयर ऑफ एज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एज होने वाला है इसमें जनरल कैटेगरी 35 ईयर के नीचे होना चाहिए, और इसमें जो है SC ST कैटेगरी कैंडिडेट बाकी के लिए इसमें रिलैक्सेशंस मिलेगा एज वगैरह में एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। यहाँ देखिए ये दिया गया है, लिंक भी यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स है ना, इस पर जो लिंक है यहाँ से इसको आप टाइप करके जा सकते हैं। फिर कहता है हार्ड कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड PDF फाइल ऑफ द डिग्री, टेस्टिमोनियल्स, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह आपको स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है यहाँ के फ़ोन नंबर गिवन है, और लास्ट डेट जो है 31 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे फर्दर स्पेशलाइजेशन दी गई हैं, इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है तो यू कैन प्रोसीड फॉर द एप्लीकेशन, इस तरीके से दिया गया है ना।
इसको फिलअप कीजिए। इसमें 1200 फी होने वाला है। सो गुड लक मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।